हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शीतल्स अन्नपूर्णा किचन। आज हम अदरक और मिर्ची की पेस्ट बनाएंगे। यहाँ पे मैंने एक बाउल लिया है और यहाँ पे मैं आइस ये निकाल दूंगी। अब यहाँ पे मैंने जो पेस्ट बनाने के लिए जो हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है, आप देख सकते हैं इस तरह से ये छोटी मिर्च आती है और ये बहुत डार्क ग्रीन कलर की आती है। ये बहुत ही स्पाइसी होती है। ये पेस्ट बनाने के लिए हम इसी का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये अच्छी तरह से स्टोर होगा ज़्यादा दिन। अब इसके अंदर ये हरी मिर्च और अदरक ये डाल देंगे हम, और थोड़ा सा पानी डाल देंगे। और ये आइस वाटर में हम 5-10 मिनट ये मिर्ची और अदरक को भिगो के रखेंगे। देखिए अब इसे 10 मिनट हो चुके हैं। अब यहाँ पे मैंने ये मिक्सर जार लिया है, ये सारी अदरक और मिर्ची हम इसके अंदर डाल देंगे। बर्फ नहीं डालना है। अब हम इसके अंदर 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे और 3 चम्मच मैं यहाँ पे नमक डालूंगी। आप स्वाद अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने 4 नींबू का जूस निकाल लिया है, वो इसके अंदर हम डाल देंगे। और 2 चम्मच यहाँ पे मैं तेल ले रही हूँ, ये डाल देंगे। इसी तरह से दरदरा पीस लेंगे। देखिए मैंने ये पीस लिया है इस तरह से। देखिए हमारी ये अदरक और मिर्ची की पेस्ट रेडी है। अगर आप फ्रीज में स्टोर करते हो तो आप 15 दिन के लिए कर सकते हो, और अगर आप फ्रीजर में स्टोर करोगे तो आप 2 महीने के लिए ये पेस्ट स्टोर कर सकते हो एयरटाइट कंटेनर में। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हरिओम।